उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में विधानसभा क्षेत्र के कोटे की 13 सीटों के चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। सीतापुर से जुड़ी भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विधान परिषद चुनाव को लेकर के, तो हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया के एटन चीफ पंकज सिंह गौर से, जो देंगे जानकारी क्या बड़ी खबर है वो। देखिए उदय, आपको बता दें कि एक बार फिर जासमीर अंसारी की किस्मत चमकने जा रही है, और जो इस समय आई इंडिया पर सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी पद के लिए जासमीर अंसारी के नाम की घोषणा कर सकती है, ऐसा सूत्रों से जानकारी निकल करके आ रही है। खबर आ रही है कि जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी उसका उस बात का इनाम दे सकती है जो उन्होंने पिछले 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट का त्याग किया और अनिल वर्मा को जिताने का काम किया। एकमात्र सीट सीतापुर में समाजवादी पार्टी के खाते में गई जासमीर अंसारी के, वो भी सहयोग से। तो जासमीर अंसारी ने अपनी सीट जो लहरपुर विधानसभा सीट है उसको छोड़ा, उन्होंने वहां न लड़ करके और अनिल वर्मा को लड़ाने का काम किया। ये मामला सपा मुखिया अखिलेश यादव तक पहुंचा था और हंसते हुए जासमीर अंसारी ने अपनी उस सीट को अनिल वर्मा के लिए देने की घोषणा कर दी, जिसके चलते अनिल वर्मा वहां से चुनाव जीते और एकमात्र सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। इसका इनाम बताया जाता है कि जासमीर अंसारी को एमएलसी बनाकर समाजवादी पार्टी देने जा रही है। अगर जासमीर अंसारी के बारे में अगर बात करें तो जासमीर अंसारी दो बार विधायक रह चुके हैं लहरपुर से। पहली बार बसपा सरकार में 2007 में वो विधायक चुने गए थे, उसके बाद 2012 में भी विधायक चुने गए। लगातार दो बार विधायक रहने के बाद 2017 में वो चुनाव हार गए थे। दो बार नगर पालिका परिषद के वो चेयरमैन रहे हैं। मौजूदा समय में भी लहरपुर नगर पालिका परिषद के जासमीर अंसारी चेयरमैन हैं। उनकी पत्नी कैसर जहां चेयरमैन रहने के अलावा सीतापुर से बसपा की सांसद रही हैं। तो जासमीर अंसारी का जो राजनीतिक जीवन है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत की थी, कुछ दिनों के लिए वो कांग्रेस में गए थे जब उनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर से चुनाव लड़ी थी, और उस समय जब कांग्रेस की स्थिति सूबे में अच्छी नहीं होती थी उस समय भी वो अच्छा खासा वोट लेकर के आई थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में तो पैठ आई है जासमीर अंसारी कैसर जहां की, अन्य समाज में भी हिंदू समाज में भी उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। तो एक संदेश देने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी में जासमीर अंसारी का नाम अभी तक बहुत कम लोग जानते होंगे, चर्चा में नहीं था। बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ रहे थे जो 13 सीटों के लिए सूचना चुकी 2 जून को जारी होनी थी वो जारी हो चुकी है। 9 जून तक यहाँ नामांकन होना है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की कुल सूबे में 125 सीटें हैं, तो एमएलसी की एक सीट के लिए 29 विधायकों की जरूरत होती है। इसी लिहाज से अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो सपा के खाते में 4 सीटें जाएंगी। और अब सबसे बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी के सामने ये है कि पार्टी से जो एमएलसी का लड़ाएगी ही जो गठबंधन दल है उनको भी उसे सीट देनी होगी। ऐसे में अगर वो जासमीर अंसारी को सीतापुर से एमएलसी पद पर जो है लड़ा रही है तो बहुत बड़ी बात कही जाएगी। जासमीर अंसारी एक ऐसा फेस होंगे, ऐसा चेहरा होंगे जिन्हें आगे कर कहीं ना कहीं पार्टी जो है मुसलमानों को भी साधने की कोशिश करेगी। और जासमीर अंसारी की जो पत्नी है कैसर जहां, जो सांसद रह चुकी हैं सीतापुर से, एक संदेश देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। फिलहाल अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है जासमीर अंसारी के, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जासमीर अंसारी के नाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी सहमति जता दी है। और जासमीर अंसारी का अगर सहमति मिल गई है, नाम की घोषणा होती है, तो उनका एमएलसी लगभग बनना
तय माना जा रहा है। ऐसे में सीतापुर को एक बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी देने जा रही है एमएलसी के तौर पर। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कब तक घोषणा करते हैं, सभी की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन आई इंडिया पर सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है। अभी तक शायद ही कोई ये जान पा रहा हो कि एमएलसी के पद पर सीतापुर से किसी नेता का नाम चल रहा है या उनके नाम पर समाजवादी पार्टी मोहर लगाने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा है कि सीतापुर से सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी सीट को त्यागने वाले, अपनी सीट का त्याग कर और पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा को जिताने में अहम रोल अदा करने वाले जसमीर अंसारी को इनाम के तौर पर एमएलसी का पद देने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखना होगा कि कब तक नामों की घोषणा होगी, लेकिन राजधानी से जो छन कर आ रहा है, जो निकल करके आ रहा है जानकारी, वो यही आ रही है कि जसमीर अंसारी के नाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सहमति जता दी है। और सभी जानते हैं कि जसमीर अंसारी का हाल में आजम खां से भी जो है संबंध अच्छे रहे हैं। ऐसे में आजम खां का सपा में क्या वजूद है, ये भी सबने देख लिया। रामपुर की सीट को आजम खां ने आज घोषणा की, मतलब वहां से जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसके जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा समाजवादी पार्टी न कर आजम खां से कराया गया है, यानी आजम खां ने घोषणा की है प्रत्याशी की। तो आजम खां का कद आज भी समाजवादी पार्टी में पहले जैसा ही देखने को मिला। ऐसे में जसमीर अंसारी का एमएलसी के पद पर नाम घोषित होना अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है, एक रस्म अदायगी मानी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी सीतापुर वासियों को एक उपलब्धि राजनीतिक क्षेत्र में मिलने जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक सपा मुखिया इस नाम की घोषणा करते हैं। फिलहाल जसमीर अंसारी की ओर से अभी कोई जानकारी निकल करके नहीं आ रही है, न ही उनसे संपर्क हो पा रहा है, उनके समर्थक भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये सारी जानकारी समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिल रही है। ये सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है, सीतापुर ही नहीं, ये सूबे की सियासत की बड़ी खबर है। विधान परिषद जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम सपा भेज रही है विधान परिषद में, उनका नाम शामिल है, उनका टिकट फाइनल हो चुका है, वहीं सीतापुर से जसमीर अंसारी का नाम अगर फाइनल करती है सपा, तो ये सीतापुर के लिए यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सियासत की दुनिया में, सीतापुर से जुड़ी सियासत की क्षेत्र से। फिलहाल आई इंडिया ने ये बड़ी खबर और अहम खबर आप तक पहुंचाई है। अभी नाम फाइनल जरूर नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इस पे मोहर लग सकती है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों का कहना है समाजवादी पार्टी के। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है, चूंकि अब कम ही दिन शेष बचे हैं नामांकन के, तो जल्द ही फैसला भी सामने आ जाएगा। फिलहाल सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए दर्शक जुड़े रहें आई इंडिया से। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।